वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पाइवट टेबल के बारे में सीखा था, तो आज हम ट्रैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्प्रेडशीट के अंदर सेल्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। मींस, यदि कोई दूसरा यूज़र आपके कंप्यूटर पर फाइल्स में मॉडिफाई या फिर एडिशन करता है तो आपको उसका पता चल जाए, तो इसके लिए हमें ट्रैकिंग को इनेबल करना होता है। वैसे ट्रैकिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो हमने ओपन ऑफिस राइटर के लिए बनाया था, तो अब हम स्प्रेडशीट में सीखेंगे कि ट्रैकिंग को इनेबल कैसे करना है और कैसे हम सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी जहां पर डाटा एंटर किया हुआ है, मींस आपके पास ये डाटा है, इसके लिए आप ट्रैकिंग को इनेबल करोगे और प्रोटेक्ट कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो आपने सबसे पहले एडिट मेन्यू में जाना है, उसके बाद चेंजेस नाम के ऑप्शन पर क्लिक करना है और रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेना है। ठीक, जैसे आप रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे तो आपकी जो ट्रैकिंग है वो इनेबल हो जाएगी। अब आपकी ट्रैकिंग इनेबल हो चुकी है। अब उसके बाद आपने इस डाटा को, मींस आपने अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना है, अपने रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट करना है। तो रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने फिर एडिट पर जाना है, दोबारा चेंजेस पर क्लिक करना है, जहाँ पर दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट रिकॉर्ड, इस पर क्लिक करना है। तो अब आपने उसमें पासवर्ड देना है जो आप कोई भी रख सकते हैं, मींस जहाँ पर आप, मैंने 123 दे दिया, अब जहाँ पर भी कंफर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड आएगा सेम। उसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। अभी क्या हुआ है, आपके फाइल के अंदर जो आपने ट्रैकिंग को इनेबल किया था उस पर पासवर्ड हमने क्रिएट कर दिया है। अब कोई भी यूज़र आपकी फाइल में यदि कोई चेंज करता है तो आपको उसका पता चल जाता है। जैसा कि अभी मैं जहाँ पर कुछ चेंज करके देखता हूँ, मींस जहाँ पर मुंबई है, अभी मैंने जहाँ पर कुछ और सिटी मींस कुछ भी एंटर किया, देखिए मैंने एंटर लगाया तो जहाँ पर उसको हाईलाइट कर दिया, उसको बॉर्डर लाइन से डार्क कर दिया रेड लाइन से, कि आपने जहाँ पर चेंज किया है। मींस कोई भी दूसरा यूज़र अगर चेंज करता है तो मुझे उस फाइल का पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कि भूषण कुमार वो ऑथर है और इस डेट को, इस टाइम को, और उसके बाद सेल नंबर D6 है और चेंज क्या हुआ है, मुंबई से हिसार हुआ है। मींस पहले मुंबई वर्ड था, जहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमें बता रहा है सब कुछ कि यहाँ पर पहले मुंबई था और उसके बाद हिसार किया है। अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये देखिए उसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अभी यहाँ पर फिर डिलीट तो हो गया है, अभी क्या हुआ है, जहाँ पर कमेंट आ गया है कि B6 में चेंज हुआ है और मेल था और जहाँ पर एम्प्टी हो चुका है, मेल लिखा हुआ था उसको एम्प्टी कर दिया, मीन्स डिलीट कर दिया। अभी आपने ट्रैकिंग को इनेबल किया हुआ है, इसी वजह से जहाँ पर ये जो आपका बॉर्डर लाइन है, आपके सेल में बॉर्डर लाइन आ जाता है। ठीक, तो हमें पता चल गया है कि किस किस सेल में चेंज हुआ है। इस तरीके से आप ट्रैकिंग को इनेबल कर सकते हैं। ठीक, अभी हमें वही डाटा चाहिए, मींस कोई दूसरा यूज़र आके आपकी फ़ाइल को चेंज करता है तो अभी हमें उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, मींस उसमें कुछ एडिशन करता है या फिर कुछ डिलीट करता है। अभी हमें उसको देखना है कि किस तरीके से देख सकते हैं, तो उसके लिए आपने फिर एडिट पर जाना है, चेंजेस पर क्लिक करना है। पहले तो आपने जो प्रोटेक्शन हटाई है उसको आप अनप्रोटेक्ट करोगे, तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रोटेक्ट रिकॉर्ड पर ही दोबारा क्लिक करना होगा। ठीक, अभी यहाँ पर पासवर्ड एंटर करें जो आपने के टाइम दिया था, उसके बाद ओके पर क्लिक करें। ठीक, अभी जो हमारी प्रोटेक्शन है वो यहाँ से हट चुकी है। ठीक, उसके बाद शो नाम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर शो चेंजेस आ रहा है, मींस आप स्प्रेडशीट में क्या चीज़ देखना चाहते हैं। आप डेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मींस जो भी मींस आज कुछ चेंज हुआ है, कल फिर कुछ चेंज हुआ है, तो आप यहां से डेट वाइज देख सकते हैं कि मुझे किस डेट का, किस टाइम का यहां पर डाटा शो हो, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं, यदि आप बिटवीन की कंडीशन लगाना चाहते हैं कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक मुझे डाटा शो हो, तो आप यहां से कंडीशन चूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यदि आपके कंप्यूटर में ज़्यादा ऑथर है, ऑथर आपने काफ़ी क्रिएट किए हुए हैं, अभी जहाँ पर भूषण कुमार एक ही ऑथर है, नहीं तो आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी ऑथर्स की, मींस किसी दूसरे ऑथर ने जहाँ पर चेंज किया है या फिर ऐड किया है, तो आपने यहाँ पर ऑथर नेम सेलेक्ट करना है, तो उसी ऑथर का जहाँ पर आपको शो करेगा जो भी चेंजेस हुई हैं। तो रेंज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि आप, कमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसमें फ़िल्टर की सेटिंग है जो आपने फ़िल्टर करना है। ठीक, शो एक्सेप्ट चेंजेस, जो भी आपने एक्सेप्ट किए हैं वो भी आपको शो कर देगा। इस तरीके से आप फ़िल्टरिंग कर सकते हैं जो भी आपने डाटा देखना है। ठीक,
अभी उसके बाद जो ऑप्शन है वो है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट की। मींस इसका मतलब ये है, जैसा कि हमने राइटर के अंदर भी किया था, जो आपने चेंजिंग की है, जो मींस किसी यूज़र ने आकर आपकी फ़ाइल के अंदर चेंज किया है, तो जहाँ पर हमें पता चल गया है कि क्या क्या चीज़ चेंज हुई है। अभी जहाँ पर दिखा भी रहा है चेंज कंटेंट शीट नंबर 1D6 उसकी मींस सेल नंबर है। अभी मैं जहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक, पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, डी सेल D6 चेंज्ड फ्रॉम मुंबई टू हिसार, मींस मुंबई था हिसार चेंज हुआ है। अभी इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, यदि मैं जहाँ पर रिजेक्ट कर दूंगा तो ये वापस मुंबई ही आ जाएगा। ठीक, यदि मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो जहाँ पर मुंबई से हट के हिसार जहाँ पर लिखा आ जाएगा। अभी मैं जहाँ पर रिजेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, रिजेक्ट किया, ये देखिए जैसे ही मैंने रिजेक्ट किया तो जहाँ पर हिसार था मुंबई आ गया, क्योंकि मैंने मुंबई ही लिखा था तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अभी इसको मैं रिजेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वापस जो मैंने जहां पर मेल था वो दोबारा से जहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। यदि एक्सेप्ट कर दूंगा तो जहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो आप कोई भी ऑप्शन जहां से चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक जो एक्शन है वो परफॉर्म हो चुका है, ये एक रह गया तो इसको भी हम परफॉर्म कर लेते हैं। एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल का मतलब क्या है कि आपने सभी को एक्सेप्ट करना है तो आपने एक्सेप्ट ऑल करना है, जो सभी को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आपने रिजेक्ट ऑल करना है, एक एक करके करना है तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एक एक करके कर सकते हैं। फिल्टर है ये सेम टू सेम वही ऑप्शन है जो मैंने आपको शो में बताया था, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको रिजेक्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर मेल वापस आ गया है। ठीक, इस तरीके से आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं अपने डाटा को। ठीक, यहाँ से हमने सीख लिया है कि किसी अपने सेल्स को प्रोटेक्ट करना है या फिर रिकॉर्ड्स को हमने ट्रैकिंग को इनेबल करना है, और उस जो हमने डाटा चेंज हुआ है आपकी फ़ाइल के अंदर, तो उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करते हैं, तो आपको इसका पता चल गया है। तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया है स्टूडेंट्स कि हमने ट्रैकिंग को इनेबल कैसे करते हैं, और उस सेल्स के उस रिकॉर्ड को हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं और अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर क्यूरीज है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।